नमस्कार दोस्तों, ब्लडी टैक्स के आज के बहुत ही ज्यादा अलग से बिल्कुल अच्छे से एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग आप लोगों को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही कमाल की चीज बताने वाले हैं। एक ऐसे सवाल का जवाब देने वाले हैं आज के इस वीडियो में, जो सवाल आए दिन काफी सारे लोगों के दिमाग में आता ही है, लेकिन इसका जवाब कभी उनको मिल नहीं पाता है। ये एक ऐसा सवाल है दोस्तों, जो मेरे दिमाग में भी आज तक हजारों बार आया होगा, जिया के दिमाग में भी आया होगा और आपके दिमाग में भी जरूर आया होगा। और ये सवाल कुछ ऐसा है कि क्यों हमेशा अच्छे लोगों के साथ बुरा ही होता है। दोस्तों, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताए थे। अगर आप लोगों को भी जानना है कि इसके पीछे का क्या कारण है, कि क्यों अच्छे लोगों के साथ सिर्फ बुरा होता है और बुरे लोगों के साथ हमेशा अच्छा होता है, तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। ये बात आज से बहुत टाइम पहले की है, महाभारत के युद्ध से भी और पहले की। ये बात है अर्जुन के साथ बीती हुई। अर्जुन देखे थे कि अपनी जिंदगी में उन्होंने हमेशा अच्छे काम किए हैं, लेकिन फिर भी अच्छे काम करने के बावजूद भी, उनके पिताजी ने भी अच्छे काम किए थे, पांडु ने भी, लेकिन फिर भी ऐसे स्वभाव होने की वजह से भी उन्हें क्या फेस करना पड़ा, इतने सालों तक वन में रहना पड़ा। उनके पिताजी का जो राजपाट था वो पूरी तरह से छूट गया था। फिर जब अपने वन से निकलकर बाहर आए तो उनके जो खुद के रिश्तेदार थे, उनके जो भाई थे, वो उनके अपोस्ट में खड़े हुए थे, उनसे बहुत लड़ाई करते थे, उनको परेशान करते थे, उनका पूरा घर जला दिया गया था, उनकी पत्नी के साथ ये सब कुछ हुआ था। तो एक दिन ना अर्जुन बहुत ज्यादा इस बात की टेंशन में आ गए कि क्यों ऐसा हो रहा है, हमने तो कभी कोई बुरे काम नहीं किए, ना ही हमारे पिताजी ने किए, ना ही हमारी माता ने, ना ही हमारे भाइयों ने, तो फिर हम क्यों इतना बुरा समय भोग रहे हैं? और हम ही क्यों? और जो लोग बुरा काम करते हैं, जैसे दुर्योधन ने भीम को बचपन में विष दे दिया था, दुर्योधन ने ही उन लोगों के घर में आग लगा दिया था, और दुर्योधन ने ही वो जो चीरहरण तक किया था, लेकिन फिर भी क्यों उन लोग बहुत अच्छे से रह रहे थे, वो 100 के 100 भाई अच्छे से अच्छी लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, और ये 5 भाई जो बचपन से ही अच्छे कर्म कर रहे हैं, सबके साथ अच्छा करते हैं, ऋषि मुनियों के साथ अच्छा करते हैं, लेकिन उसके बाद भी इनकी लाइफ बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। तो ये दुख में डूबे डूबे पहुंचे श्री कृष्ण के पास, और कृष्ण जी से उदास होकर कहे कि मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ और मुझे अपने सवालों के जवाब चाहिए, मेरा मन किसी भी चीज में नहीं लग रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण ने बोले कि खुलकर बताओ तुम्हें किस चीज का दुख है, क्या परेशानी है, किस बात के लिए इतनी सोच में डूबे हुए। तब जाकर अर्जुन ने ये सारी बात बताई। अब श्री कृष्ण ने कहा कि नहीं, तुम बिल्कुल गलत सोचते हो, ऐसा कभी नहीं होता है। जो अच्छे काम करता है उसके साथ हमेशा अच्छा होता है, और जो बुरे काम करता है उसके साथ हमेशा हमेशा बुरा होता है। लेकिन अर्जुन मानने के वे तैयार नहीं थे, जैसे कि आप लोग अभी नहीं हो रहे हैं। बहुत सारे लोग जो अच्छा काम करते हैं वो अच्छा समय नहीं देख पाते हैं। हाँ, बोलते हैं, कोई भी बोलता है, कोई भी मान लो आपके साथ कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई, बड़ी प्रॉब्लम हो गई, या आपके साथ कुछ ऐसा बहुत बुरा हो गया, आप सोचते हो कि यार मैंने तो जिंदगी में कभी ऐसा कुछ नहीं किया, किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया, तो मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, भगवान मेरे साथ गलत कर रहे हैं। आपके मन में वो सवाल आता होगा भगवान के प्रति कि भगवान अच्छे नहीं, भगवान मेरे साथ हमेशा गलत करते हैं। तो अब श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही समझाने के लिए कहे कि मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, वो कथा सुनने के बाद मुझे तुम जरूर बताना कि क्या ये सचमुच में होता है, कि अच्छा के साथ, अच्छों के साथ सचमुच में बुरा होता है, क्या बुरों के साथ सचमुच में अच्छा होता है। तो श्री कृष्ण बताते हैं कि उस जमाने से भी बहुत पुराने जमाने में एक नगर हुआ करता था। उस नगर में 2 आदमी रहते थे जो बचपन में दोस्त हुआ करते थे, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ी दोनों की दोस्ती पूरी तरह से टूट गई। वो लोग इतने अच्छे दोस्त थे कि उनके परिवार में भी संबंध बहुत अच्छे थे, लेकिन एक ऐसी सिचुएशन आई कि दोनों के परिवार का पूरी तरह से अंत हो गया, मतलब सबकी मृत्यु हो गई और केवल उस परिवार के 2 लोग ही बचे। लेकिन अपने स्वभाव में बहुत ज्यादा अंतर होने की वजह से ये दोनों एक टाइम पर एक दूसरे से मिलना भी छोड़ दिए। दोस्ती तो बहुत दूर की बात थी। अब एक जो आदमी था, एक, वो क्या करने लगा, जिंदगी में व्यापारी बन गया, और व्यापारी बनने के साथ साथ वो जो कुछ भी धन कमाता था तो अपनी कमाई का 90% हिस्सा, जी हाँ बिल्कुल रतन टाटा की तरह ही, 90% हिस्सा वो डोनेट कर देता था। मतलब जब भी उसे कोई गरीब दिखता था, तब भी कोई असहाय दिखता था, कोई जानवर दिखता था, ऐसी चीजों में वो बहुत जल्दी मदद में पैसे लगा देता, मतलब बहुत साफ दिल का नेक आदमी था। मतलब व्यापारी कर करके तो वो पैसे कमा ही रहा था, लेकिन वो पैसों को नेक कामों में लगा दे रहा था। वो दोनों टाइम मंदिर जाता था, मतलब अपनी दुकान जाने से पहले मंदिर जाता था और दुकान
लौटने से मतलब दुकान से लौटने के बाद वो मंदिर जाता था और मंदिर जाते टाइम उसे जो कुछ भी ऐसा फील होता था ना कि इसके साथ प्रॉब्लम है उसके साथ प्रॉब्लम है, तो सबकी मदद करता हुआ ही जाता था। बहुत सालों तक ये चलता रहा। अब जो दूसरी तरफ जो उसका दोस्त था बचपन वाला, अब जिनके बीच दरार आ गई थी, वो जो दूसरा वाला आदमी था ना, वो क्या करता था कि चोरी चकारी करके अपना पेट चला रहा था। मतलब लोगों के घर जाता था, उनका सामान चोरी कर लेता था, और जैसे कभी कोई गरीब दिख रहा है तो उसको मार दिया अंधेरे में पकड़ के, उसको लूट लिया, अपना घर चले गया। और ऐसे करते करते उसकी जिंदगी बहुत अच्छे से व्यतीत हो रही थी, बहुत धनवान बन गया था, ऐसा काम कर रहा था। तो और जहां पर व्यापारी था वो इतना ज्यादा धनवान नहीं बन सकता था, क्योंकि वो 90% हिस्सा नेक दान धर्म के इसमें लगा देता था। वो सोच रहा था कि मैं मतलब इतने पैसों का क्या करूंगा मैं, मेरी जिंदगी में अकेले हूँ, तो इससे अच्छा कि दूसरों का भला हो जाए, गरीब लोगों का भला हो जाए, और मैं 10% में भी खुश रहूंगा, 90% उनके पास ही जाने दो। और वो खुश भी था, उसे कोई चीज की परेशानी नहीं थी। एक दिन क्या होता है, उस नगर में बहुत जोर की बारिश होती है, बहुत जोरों की। अब जब बहुत जोरों की बारिश होती है तो कोई भी अपने घर से निकलता नहीं, क्योंकि ये बारिश लगातार 4 दिन तक हो रही थी, तो सब लोगों ने अपने घर से निकलना छोड़ दिए थे। तो वहीं पर ये जो चोर वाला आदमी था ना, उसके दिमाग में आया, यार कोई तो घर से निकल नहीं रहा है, और हमारे नगर में वो जो मंदिर है, मतलब वही एक फेमस मंदिर था, वहां पे जो भगवानों की मूर्ति है उसमें सोने के जेवरात चढ़ाए गए हैं, अगर मैं चाहूं तो चोरी छुपे मंदिर के अंदर एंटर करूंगा और जितनी भी सोने की चीजें हैं, मंदिर का जो भी धन है, वो चुरा कर अपने घर आ जाऊंगा, किसी को भी पता नहीं चलेगा, और कोई पुजारी उजारी होगा तो उसको देख लूंगा। हाँ, उसको ऐसे मार वार के भगा दूंगा वहां से, डर की वजह चला जाएगा और सब धन लूट के मैं आ जाऊंगा। अब ऐसा दिमाग लगाकर वो शाम के टाइम में उस मंदिर में जैसे तैसे करके एंटर करता है। बारिश बहुत तेज हो रही थी, इसलिए मंदिर में कोई भी नहीं आया था, ना ही बाहर ज्यादा लोग घूम रहे थे, क्योंकि बाहर आने वाला सिचुएशन हो गया था, बहुत बारिश हो रही थी। वो मंदिर में जाके जितने भी जेवरात थे, जितना भी धन था मंदिर का, वो चुरा के एक पोटली में डाल लेता है, और ये सब करते हुए मंदिर का पुजारी उसे देख नहीं पाता, क्योंकि मंदिर का पुजारी मंदिर के दूसरे हिस्से की साफ सफाई में व्यस्त था, क्योंकि पानी अंदर लीक हो रहा था मंदिर के, तो वहां की साफ सफाई में लगा हुआ था। ये मौका पाते ही सब कुछ चोरी करता है और फटाक से निकल जाता है मंदिर से। अब जैसे ये मंदिर से निकलता है, वैसे ही जो भला वाला आदमी था, जो व्यापारी था, जो सबकी सेवा करता था और जो डेली नियम से मंदिर जाता था, वही भला आदमी मंदिर के अंदर एंटर करता है, भगवान के दर्शन करता ही है, और अपनी आंखें वापस खोलता है तो ये पाता है कि उसके सामने पुजारी खड़ा है। और पुजारी एकदम गुस्से में, पुजारी कह रहा है कि देखो तुमने ही चोरी किया है, भगवान के जितने भी जेवरात है वो तुमने ही गायब कर दिए हैं। मतलब बेचारा आया, वो भगवान की पूजा किया, जो चोरी किया था वो वहां से 9-11 हो गया, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ। सारा इल्जाम इसके ऊपर आ गया। अब मंदिर का पुजारी, वो मंदिर बहुत फेमस मंदिर था वहां पे। हाँ। तो मंदिर ने चिल्ला चिल्ला के आसपास के लोगों को इकट्ठा कर लिया। हाँ। और सब लोगों ने मिलके इस भले आदमी की बहुत पिटाई की, क्योंकि सब लोगों ने समझ गए थे कि इसी ने चोरी किया है, लेकिन वो बेचारे ने कुछ नहीं किया था। अब वो जैसे तैसे करके घबरा कर अपनी जान बचाते हुए मंदिर से भागा, और मंदिर से भागते भागते रास्ते में वो किसी चीज से, मतलब कुछ ऐसा हुआ था कि पेड़ था एक, बहुत ज्यादा तूफान आ रहा था ना, तो एक पेड़ ऐसा उखड़ा और इसके ऊपर गिर गया पेड़। और ये बहुत जोर से घायल हो गया, अभी अपनी उठने की हालत में नहीं था, लेकिन जैसे तैसे करके घसीट वसीट के घर तक पहुंचा, और इसे इतना ज्यादा बुरा लगा, इतना ज्यादा खराब लगा कि मैं अपनी आधी जिंदगी केवल इसी चीज में बिता दिया कि मैं रोज मंदिर जाऊंगा और जितने भी असहाय और मजबूर लोग मिलेंगे सबकी धन से सेवा करूंगा, सबकी दिल से सेवा करूंगा, और मुझे वापस में क्या मिला ये सब कुछ, मतलब मंदिर में जाने के बाद मुझे पिटाई मिल गई जो कि मैंने कभी सोच भी नहीं सकता था, उस चीज का बुरा इंजाम लगा मेरे ऊपर, और मैं जान बचाकर अपनी भाग रहा था तो प्रकृति ने भी मुझे नहीं बख्शी, इतना तेज तूफान था या फिर जो कुछ भी था, प्रकृति ने भी मुझे दंड दिया बिना मतलब का, मेरे ऊपर पेड़ गिरा दिया, मेरी मृत्यु भी हो सकती थी, वो तो मैं जान बचा के घर पहुंचा हूँ। उसे इतना बुरा लगा कि उसने अपने घर की जितनी भी भगवान की फोटो लगा के रखा था ना, सब उठा उठा के बाहर फेंक दिया। सोचा कि भगवान तो है ही नहीं, मैं भगवान की इतना दिल से पूजा करती तो भी मेरे साथ ये सब हो रहा है, तो मेरे को भगवान की पूजा करनी नहीं है आज से, सब उठा उठा के बाहर फेंक दिया। अब क्या हुआ, ऐसे करके इसने अपनी आगे की जिंदगी पूरी तरह से नास्तिकता के साथ बिता दिया। मतलब अब वो ईश्वर के ऊपर विश्वास नहीं करता था, क्योंकि वो सोच लिया था कि अब ईश्वर होते ही नहीं है, क्योंकि मेरे साथ इतना बुरा हुआ ना, क्योंकि यार किसी एक नेक इंसान के
इज्जत में दाग लगना बहुत बड़ी बात होती है। हाँ, जो जिंदगी भर अच्छा काम किया उसने कभी हाँ, चोरी चकारी कुछ भी नहीं किया, और मान लो कि आपने कुछ नहीं किया और आपको अचानक से जेल जाना पड़े, आपका मतलब कुछ गलती है भी नहीं, किसी और की गलती की वजह से आपको जेल जाना पड़े, सोचो कितना खराब लगेगा वो टाइम पे। और वो टाइम की तो बात ही अलग होती है, उसको पूरी जिंदगी लोग एक चोर की नजर से देख रहे थे, वो भी मंदिर का चोर। तो उसके जिंदगी ना बस ऐसी नॉर्मल बीती, और एक टाइम ऐसा आया ये वृद्ध हो गया और इसकी मृत्यु हो गई। कुछ दिन बाद वो जो दूसरा आदमी था जो कि चोर था, हाँ, उसकी भी मृत्यु हो गई, जिसने चोरी किया था, जिसके बारे में किसी को पता नहीं चला था। अब जैसे ही मृत्यु हुई और जब जैसे ये लोग एंड वो उसमें पहुंचे, मतलब यमलोक में पहुंचे, यमराज के पास, हाँ। तो यमराज के सामने जाकर देखता है कि मैं भी खड़ा हूँ और मेरा एक दोस्त भी खड़ा है जो चोर था। उसको पता था मेरा ये दोस्त चोर है, लेकिन मंदिर का चोर है इसके बारे में शायद उसको नहीं पता था। तो यमराज के सामने जाकर वो बहुत क्रोधित हुआ, बोला कि मुझे बहुत बुरा लगा इस बात का कि मैं अच्छे काम किया, सब कुछ अच्छा किया, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और इसने बुरे काम किया, ऐसा ऐसा किया, हमेशा चोरी चकारी लोगों को परेशान किया, लेकिन आज ये मेरे साथ मेरी बराबरी में खड़ा है, मृत्यु होने के बाद मेरी बराबरी में, जो इतना बुरा इंसान था, ऐसा क्यों? तब यमराज ने बोले कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये तुम्हारी बराबरी में नहीं और कभी हो भी नहीं सकता। दरअसल जो तुम बात से भगवान को हमेशा कोसते रहे अपनी बाकी की जिंदगी कि तुम्हारे ऊपर लांछन लगा, दरअसल उस दिन क्या होने वाला था, जिस दिन तुम मंदिर से पिटाई खाकर बाहर निकले थे ना, भागकर आए थे ना, और जो तुम्हारे ऊपर पेड़ गिरा था, वो पेड़ गिरना तुम्हारी मृत्यु का, मतलब तुम्हारी जिंदगी का अंतिम पल होने वाला था। मतलब उस दिन तुम मरने वाले थे, लेकिन अच्छे कर्म करने की वजह से तुम उस दिन नहीं मरे और तुम्हारी जो मृत्यु थी वो टल गई। हाँ। और तुम बूढ़े होने के बाद मरे। मतलब ऐसा था कि अगर मंदिर में वो पहुंचता और लोग उसकी पिटाई नहीं करते और वो इस तरह से भागता नहीं हड़बड़ी में, तो वो पेड़ उसके ऊपर प्रॉपरली गिर जाता उसके सिर में, क्योंकि उस समय भाग रहा नहीं होता। हाँ, हाँ। वो आराम से चल रहा होता और पेड़ उसके ऊपर गिर जाता प्रॉपर, और फिर मर जाता वहीं पे, और वहीं पर उसकी मृत्यु हो जाती। लेकिन वो मंदिर में गया, उसकी पिटाई हुई और वो पिटाई के डर से जोर से भाग रहा था और फिर पेड़ गिरा ना, तो पेड़ उसके सर पे नहीं गिर पाया, उसकी बॉडी किसी पार्ट में पैर में गिर गया था, तो उसकी मृत्यु नहीं हो पाई। तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से ही तुम्हारी उम्र बढ़ गई थी। और जहां पर तुम ये देख रहे हो ना, ये अपने चोर दोस्त के बारे में बोल रहे हो कि मेरी बराबरी में खड़ा है, नहीं, इसकी नसीब में ना राजयोग लिखा हुआ था, लेकिन इसने अपने बुरे कर्मों की वजह से, इसके बुरे कर्मों की वजह से ही कैसे जिंदगी काटा, एक चोर की तरह। और एक चोर को कितना मिल जाता है, कितना मिल, खाने पीने रहने लायक, बस एक पोटली धनी तो मिला। हाँ, था हाँ। खाने पीने रहने लायक, जिसकी कोई इज्जत नहीं थी। हाँ। जिसका कोई सम्मान नहीं था, जिसका कोई नाम नहीं था। अगर ये ऐसे बुरे काम नहीं किया होता तो ये राजा वाली जिंदगी बिताने वाला था। तब जाकर इस आदमी को समझ में आया, नहीं, मैं तो अपनी आधी जिंदगी एक गलत सोच के साथ बिता दिया। अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि अब तुम बताओ, क्या तुम्हें सचमुच में अब भी ऐसा लगता है कि कोई इंसान जो अच्छा है उसके साथ हमेशा बुरा होता है, और जो इंसान बुरा है उसके साथ हमेशा अच्छा होता है? ऐसा और तब जाके अर्जुन की आंखें खुली और अर्जुन भी समझ गए, नहीं, आज जो हम भोग रहे हैं, जो कुछ भी फेस कर रहे हैं, वो शायद हमारे अच्छे कर्मों की वजह से बहुत नॉर्मल है। हाँ। अगर हम ये अच्छे कर्म नहीं किए हुए रहते तो वो और बुरी सिचुएशन में, बुरे समय में हमारे सामने आता। हाँ। और वहीं पर जो कौरव थे, जो आज सिचुएशन फेस कर रहे थे, भगवान ने उनकी किस्मत में शायद बहुत अच्छा लिख के भेजे थे, लेकिन आज जो कुछ भी वो फेस कर रहे हैं अपने बुरे कर्मों की वजह से फेस कर रहे हैं, और बुरे कर्मों की वजह से जल्दी मर भी गए। समझ गए आप लोग? तो आज आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है ना, इसके लिए खुद को या ईश्वर को कोसो मत, अपनी किस्मत को मत कोसो। हमेशा याद रखो कि आपके साथ जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वो बहुत नॉर्मल है। अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो बहुत अच्छा ही हो रहा है, और अगर आप बुरे कर्म करते हैं तो बुरा ही हो रहा है। यार, बुरे कर्मों को हटा दीजिए जिंदगी से। और किसी को देख के ऐसा फील मत करो कि वो बहुत फेमस है या उसके पास बहुत पैसे, मेरे पास क्यों नहीं है, मैं तो इतना अच्छा हूँ या इतना मेहनत करता हूँ, ऐसा कभी नहीं सोचने का, क्योंकि क्या पता कल को आप उससे ज्यादा आगे बढ़ जाओगे। हाँ, तो ये पॉजिटिव रहो, अपने कर्मों पे फोकस करो और पॉजिटिव रहो बहुत ज्यादा। तो अगर आप कर्मों के साथ है और कर्म आपके साथ है,
तो आपको जिंदगी में कभी कोई नहीं हरा सकता। तो चलिए, ये वीडियो भी बहुत बड़ा हो गया है। इस वीडियो में जानकारी आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले अनोखे वीडियो हम लोग आप लोगों के सामने रेगुलरली लेके आते रहते हैं। इंस्टा की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, हमारी क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।